प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां एसपी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों का दौरा किया और बाजार की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कर्मचारी सिविल वर्दी में बाजारों में मौजूद रहेंगे और 24 घंटे यहाँ गश्ती पर रहेंगे। तो वही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तो वही दौरान एसपी सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने दीपावली की शुभकामनाएं दी है और उन्होंने सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो फतेहाबाद से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि फतेहाबाद में एसपी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों का दौरा किया है और दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए बाजार की सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। तो वही दौरान सिविल वर्दी में पुलिस कर्मचारी बाजारों में मौजूद रहेंगे, जो की गश्ती करेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने दीपावली की शुभकामनाएं दी है और उन्होंने जनता के सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां एसपी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों का दौरा किया और बाजार की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कर्मचारी सिविल वर्दी में बाजारों में मौजूद रहेंगे और 24 घंटे यहां गश्ती पर रहेंगे। तो वही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तो वही दौरान एसपी सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने दीपावली की शुभकामनाएं दी है और उन्होंने सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो फतेहाबाद से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि फतेहाबाद में एसपी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों का दौरा किया है और दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए बाजार की सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। तो वही दौरान सिविल वर्दी में पुलिस कर्मचारी बाजारों में मौजूद रहेंगे, जो की गश्ती करेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने दीपावली की शुभकामनाएं दी है और उन्होंने जनता के सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की है। हरियाणा दिवस पे सभी फतेहाबाद के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में दीपावली का पर्व आ रहा है, तो ताकि जनता को परेशानी ना हो और लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में और ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में जो ड्यूटीज़ हैं उसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तो क्या निर्देश दिए गए हैं सर? निर्देश ये है कि स्मूथली ट्रैफिक चले और कहीं पर कंजेशन ना हो, और काफ़ी सहयोग सभी दुकानदारों का है, सबसे बात हुई है। तो मीटिंग भी की जाएगी सर दुकान? दीपावली के बाद रखी सर, अतिक्रमण वगैरह किया जा रहा है दिवाली के बाद। Thank you.